स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस थ्रू द पॉइंट 3,2 व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइन x-2y इज इक्वल टू 3। आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसका पासिंग पॉइंट क्या है, 3,2 है, और जो 45 डिग्री का एंगल बना रही है x-2y इज इक्वल टू 3 के साथ। ठीक है, एक बार इसका रफ डायग्राम बना लेते हैं। देखो, आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो पासिंग थ्रू है 3,2 के, ये पॉइंट ए हो गया सपोज करो, और ये 45 डिग्री का एंगल बना रही है लाइन के साथ x-2y इज इक्वल टू 3। तो जो 45 वाली लाइन दे रखी है ना, ये इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए दे रखा है। तो अगर मान लो मैंने इस लाइन का स्लोप मान लिया m1, तो m1 इज इक्वल टू माइनस का a बाई बी होता है ना, अगर आपको इक्वेशन दे रखी है। तो a की वैल्यू हो गई 1, तो माइनस का 1 बाई b की वैल्यू हो गई -2, तो स्लोप आ गया 1/2। ये आ गया हमारे पास m1। ठीक है, अब हम इसका स्लोप अगर m2 है, तो इन दोनों के बीच में एंगल दे रखा 45। अब हम यहाँ पे एंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वो क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू में m2। इसके स्लोप m2 को m मान लो, थोड़ा सिंपल पड़ेगा लिखने में। तो यहाँ पे आएगा tan 45 m2 की जगह पे m माइनस 1/2 अपॉन में 1 प्लस का 1/2 इंटू में m। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, मॉडुलस खुलेगा तो यहाँ पे आएगा प्लस माइनस, यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो आएगा 2m माइनस 1 अपॉन में 2 प्लस m। नीचे का जो एलसीएम में 2 आ रहा है ना, वो नीचे भी एलसीएम में 2 आ रहा है, तो 2 से 2 कट गया। अब यहाँ से इसके दो पार्ट किए जाएंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस। 1 इज इक्वल टू 2m माइनस 1 अपॉन में 2 प्लस m, यहाँ पे माइनस 1 इज इक्वल टू 2m माइनस 1 अपॉन में 2 प्लस m। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे 2 प्लस का m इज इक्वल टू 2m माइनस 1, तो आ जाएगा m इज इक्वल टू 3। m इज इक्वल टू आ गया 3। तो यहां से इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 x माइनस x1। y माइनस y1 में क्या आएगा, जो पॉइंट हमें दे रखा था x1 और y1 पासिंग पॉइंट दे रखा था, तो आएगा y माइनस का 2 इज इक्वल टू m की जगह पे 3, और x माइनस x1 मतलब 3। यह आएगा 3x माइनस का 9 y माइनस 2, आएगा 3x माइनस y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से लाइन की इक्वेशन आ गई। सिमिलरली हम यहाँ से भी सॉल्व करेंगे, तो आएगा माइनस का 2 माइनस m इज इक्वल टू 2m माइनस 1, यहाँ से m इज इक्वल टू आ गया माइनस 1/3 आ रहा है। ठीक है जी, अब इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई यहाँ पे y माइनस y1 मतलब 2, m2 की वैल्यू माइनस 1/3, और x माइनस x1 मतलब 3। तो ये आ जाएगा आपका 3y माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस x प्लस का 3, यह आएगा x प्लस का 3y इज इक्वल टू 9। ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ गई पॉसिबल एक और। ठीक है ना, आ रही बात सही है।